आज का वीडियो टेंस की प्रैक्टिस के लिए है। आज के वीडियो में प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव के अभ्यास दिए गए हैं। अंत में कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनके 12 फॉर्म बनाने हैं, यानी 4 अफर्मेटिव फॉर्म, 4 निगेटिव फॉर्म और 4 इंटरोगेटिव फॉर्म। तो इस तरह कमेंट सेक्शन में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा टेंस का अभ्यास होगा और टेंस आएगा। तो प्रारंभ करते हैं टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में है आता है, यानी जब कोई वाक्य पास्ट में नहीं होता है, यानी फ्यूचर में नहीं होता है, यानी उस समय हो रहा होता है जिस समय करने वाला कर्ता या व्यक्ति उपस्थित होता है, तो वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। वह प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो एक सेंटेंस लेते हैं, यह लड़का गेंद लाता है। इस सेंटेंस में यह दिस एडजेक्टिव है, डिटरमाइनर है, लड़का बॉय कॉमन नाउन है, सिंगुलर है, बॉय का प्लूरल बॉयज होगा, लाता है ये मुख्य वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब, ब्रिंग्स सिंगुलर है, लाता है का प्लूरल होगा, ब्रिंग ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट है। तो यह लड़का गेंद लाता है, यह एडजेक्टिव, लड़का कॉमन नाउन सिंगुलर मैस्कुलिन, गेंद कॉमन नाउन सिंगुलर, लाता है प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर। अब इसका जो वर्ब्स हैं इनके जो फॉर्म्स हैं उनको भी दोहरा लेते हैं। अब यहाँ पर लाता है यानी लाने को टू ब्रिंग कहते हैं, तो इसका प्रेजेंट या फर्स्ट फॉर्म होगा ब्रिंग, सिंगुलर होगा ब्रिंग्स, प्लूरल होगा ब्रिंग, पास्ट या सेकंड फॉर्म होगा ब्राट, पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म होगा ब्राट, प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म होगा ब्रिंगिंग, यानी ब्रिंग ब्राट ब्राट ब्रिंगिंग। अफर्मेटिव सेंटेंस वे होते हैं जो नकारात्मक नहीं होते हैं या प्रश्नवाचक नहीं होते हैं, यानी जिनमें स्वीकार किया जाता है। जैसे यह लड़का गेंद लाता है, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ता है इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। दिस बॉय ब्रिंग्स अ बॉल, ब्रिंग्स को देखिए चूंकि दिस बॉय सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यानी ब्रिंग्स होगी, दिस बॉय ब्रिंग्स अ बॉल। मान ली होता कि वे गेंद लाते हैं तो होता दे ब्रिंग, दे ब्रिंग। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में रहा है, रहे हैं, रही है, ये सब आता है। यह लड़का गेंद ला रहा है तो इसका ट्रांसलेशन होगा दिस बॉय इज ब्रिंगिंग अ बॉल। अब यहाँ पर दिस बॉय सिंगुलर है तो इज आएगा, यदि ये प्लूरल होता तो आर आता या मैं होता तो एम आता, तो दिस बॉय इज ब्रिंगिंग अ बॉल।
परफेक्ट परफेक्ट में चुका चुकी ये सब आते हैं। तो यह लड़का गेंद ला चुका है। अब यह लड़का सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हैज लगता है और प्लूरल में हैव लगता है। तो दिस बॉय हैज ब्रॉट अ बॉल। बॉल भी सिंगुलर है, कॉमन नाउन है, इसलिए ए लगाया गया है। तो दिस बॉय हैज ब्रॉट अ बॉल। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें समय दिया होता है। यह लड़का दोपहर से गेंद ला रहा है। दोपहर निश्चित होता है तो सिंस लगेगा। यदि कोई अनिश्चित समय होता, एक सप्ताह से, तो फार अ वीक होता, लेकिन दोपहर निश्चित माना जाता है। दिस बॉय है तो इसमें हैज लगेगा। यदि बॉयज होता तो हैव लगता। दिस बॉय हैज बीन ब्रिंगिंग अ बॉल सिंस नून। दिस बॉय हैज बीन ब्रिंगिंग अ बॉल सिंस नून। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस थे। अब नेगेटिव देखिए, इनडिफिनिट। यह लड़का गेंद नहीं लाता है, नेगेटिव में नहीं होता है। तो यह लड़का सिंगुलर है तो डज नॉट लगेगा। यदि प्लूरल होता तो डू नॉट लगता। दिस बॉय डज नॉट ब्रिंग अ बॉल। दिस बॉय डज नॉट ब्रिंग अ बॉल। कंटिन्यूअस, यह लड़का गेंद नहीं ला रहा है, कंटिन्यूअस में रहा रहे आता है। तो दिस बॉय इज नॉट ब्रिंगिंग अ बॉल। दिस बॉय सिंगुलर है तो इज आएगा। दिस बॉय इज नॉट ब्रिंगिंग अ बॉल। यदि प्लूरल होता तो आर आता, जैसे दीज बॉयज आर नॉट होता, लेकिन दिस बॉय है तो इज नॉट आएगा। आई के साथ एम आता है, आई एम नॉट। इज एम आर ए लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है और कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इनडिफिनिट में या परफेक्ट में या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। नेगेटिव के आगे देखते हैं। परफेक्ट टेंस सेंटेंस है, यह लड़का गेंद नहीं ला चुका है, नेगेटिव है तो नहीं आएगा। चुका चुके परफेक्ट में आता है। यह लड़का यानी दिस बॉय सिंगुलर है तो है जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है परफेक्ट में। दिस बॉय हैज नॉट ब्रॉट अ बॉल। हैज नॉट ब्रॉट अ बॉल। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यह लड़का दोपहर से गेंद नहीं ला रहा है। तो समय दिया हुआ है। दिस बॉय हैज नॉट बीन ब्रिंगिंग, हैज नॉट बीन ब्रिंगिंग अ बॉल सिंस नून। यदि बहुत सारे लड़के होते यानी प्लूरल होता तो हैव नॉट बीन होता। सिंगुलर में हैज नॉट बीन, प्लूरल में हैव नॉट बीन। अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में एक तथ्य का ध्यान रखना जरूरी है कि अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगता है। अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगता है।
इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, एक में क्या पहले आता है, एक में क्वेश्चन वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्द बीच में या पहले आते हैं। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव का जिसमें क्या पहले आता है उसे बताया गया है। इंट्रोगेटिव इंडिफिनिट, क्या यह लड़का गेंद लाता है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। इंट्रोगेटिव में डू या डज का प्रयोग होता है, जो सिंगुलर होते हैं उनमें डज का प्रयोग होता है। यह लड़का सिंगुलर है तो डज का प्रयोग होगा। डज दिस बॉय ब्रिंग अ बॉल। अब इंट्रोगेटिव में या निगेटिव में ब्रिंग्स नहीं होता है, उसमें प्लूरल फॉर्म ही प्रयोग होता है वर्ब का, तो ब्रिंग ही प्रयोग होगा। तो डज दिस बॉय ब्रिंग अ बॉल। अफर्मेटिव में ब्रिंग्स होता है, लेकिन इंट्रोगेटिव में या निगेटिव में ब्रिंग ही होगा। डज दिस बॉय ब्रिंग अ बॉल। कंटिन्यूअस, क्या यह लड़का गेंद ला रहा है, क्या यह लड़का गेंद ला रहा है, तो यह लड़का सिंगुलर है तो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इज दिस बॉय ब्रिंगिंग अ बॉल। परफेक्ट, क्या यह लड़का गेंद ला चुका है, तो यह लड़का सिंगुलर हैज का प्रयोग होगा। हैज दिस बॉय ब्रॉट अ बॉल। परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्या यह लड़का दोपहर से गेंद ला रहा हैज दिस बॉय बीन ब्रिंगिंग अ बॉल सिंस नून। हैज दिस बॉय बीन ब्रिंगिंग अ बॉल सिंस नून। अब आप अभ्यास के प्रश्न देखेंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन प्रश्नों के अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएं, यानी चार अफर्मेटिव चार निगेटिव चार इंट्रोगेटिव, तो कुल 12 फॉर्म बनेंगे। अब पहला वाक्य है, वह आम खाती है, इसके चार अफर्मेटिव बनाइए, चार निगेटिव बनाइए, चार इंट्रोगेटिव बनाइए, और बनाने के समय ये लिखिए कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी तरह मैं घंटी बजाता हूँ, इसके 12 फॉर्म बनने हैं, चार अफर्मेटिव चार नेगेटिव और चार इंट्रोगेटिव। वे क्रिकेट खेलते हैं, 12 फॉर्म, चार अफर्मेटिव चार नेगेटिव चार इंट्रोगेटिव। अब यह वे प्लूरल हैं तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं आई कहें प्लूरल की भांति प्रयोग होता है, आई एम होता है, लेकिन आई रिंग होगा, रिंग्स नहीं होगा, आई के साथ हैव लगेगा, तो ये बात ध्यान में रखें। माँ रामायण पढ़ती है, तो माँ यानी मदर, तो मदर सिंगुलर की तरह प्रयोग होता है, सिंगुलर है, मदर रीड्स द रामायण, रामायण के पहले द लगता है। तो वह आम खाती है, माँ रामायण पढ़ती है, इनमें सिंगुलर वर्ब्स होंगे। मैं में सामान्यतः प्लूरल होगा, यद्यपि एम का प्रयोग होगा, और वे में प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग होगा। तो नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बताएंगे, हु वेयर व्हाट व्हेन हाउ, इनके प्रयोग वाले इंट्रोगेटिव बताएंगे। यूज का आप हु का उपयोग बताएंगे, नेवर का उपयोग बताएंगे, इसी तरह पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस के बताएंगे और पैसिव वॉइस बताएंगे। लेकिन ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना होमवर्क करते हैं, आप खुद में कितनी मेहनत करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।